हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर असाइनमेंट दैट इज MCO 1-5 और सब्जेक्ट नेम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसको डिस्कस करेंगे। ये जो असाइनमेंट है ये आपका जून 2024 एज वेल एज दिसंबर 2024 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डू यू थिंक दैट इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हैव बीन इंक्रीजिंग? क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है? पहला पार्ट ये है। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा आपको लगता है तो आप डिटरमिनेंट बताओ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के, और फिर डिस्क्राइब द नीड इन प्रोस्पेक्टस टू पुश एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर हमें क्या ज़रूरत, जो जो ज़रूरतें हैं, क्यों ज़रूरत है ये बताना है आपको, डिस्क्राइब करना है नीड एंड प्रोस्पेक्ट्स की हमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को पुश कर। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। 50% GDP की इंडिया की सर्विस सेक्टर से आती है। सर्विस सेक्टर के अंदर ट्रेड, टूरिज्म, एविएशन, टेलीकॉम, शिपिंग, पोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब आता है। ठीक है, सेक्टर जो है आईटी सेक्टर, उसके अंदर 4.47 मिलियन जो लोग हैं वो डायरेक्टली काम करते हैं, और 12 मिलियन से ज़्यादा 2020-21 में उन्होंने काम किया है। आईटी इंडस्ट्री अकाउंट फॉर अबाउट 8% ऑफ इंडियाज़ GDP। आईटी इंडस्ट्री ने 8% इंडिया की GDP के ऊपर काम किया है, और 52% ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट के अंदर है। जो ग्रोथ है सेक्टर में वो पहली आधी हाफ 2021 के अंदर अगर मैं बात करूं 10.8%, और द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इंडस्ट्री कंट्री के अंदर पिक्ड अप शार्पली आफ्टर द कोविड 19 के दौरान पे। इंडिया को हम फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट मानते हैं FDI इनफ्लो का, क्योंकि FDI इनफ्लो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आती है फर्स्ट हाफ में। ये डेटास बताए हैं ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। एक्सपोर्ट का ट्रेंड भी समझेंगे। एक्सपोर्ट का ट्रेंड दे रखा है जिसमें डे टू डे का बता रखा है कि इतने ईयर में कितना खर्चा हुआ, किस तरीके से आपकी डीलिंग हुई, फिर नेक्स्ट में कैसा हुआ, फिर नेक्स्ट में कैसा हुआ। अप्रैल 2020 के डेटा दे रखे हैं आईटी बीपीएम सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ डिटरमिनेंट ऑफ सर्विसेज। कौन कौन से डिटरमिनेंट हैं जो कि सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे? सबसे पहले वर्ल्ड की डिमांड, क्योंकि वर्ल्ड की डिमांड बहुत वास्ट है, इसीलिए जो एक्सपोर्ट है गुड्स की, सर्विसेज की इवन आप बोल सकते हो, वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट वन इज़ रियल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट भी, क्योंकि जब आप करेंसी को चेंज करते हो, एक करेंसी को चेंज करते हो दूसरी कंट्री की करेंसी में, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देती है कि हाँ यहाँ पे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो कितना इम्प्रूवमेंट है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे जहाँ, क्योंकि सर्विसेज बढ़ रही हैं, नेटवर्क इफेक्ट बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट सर्विसेज एक दूसरे से लिंक कर रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ये सब इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज़्यादा, पुअर ह्यूमन कैपिटल हिंडर्स। अगर ह्यूमन कैपिटल पुअर होगा जिसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे एक क्रूशियल इम्पॉर्टेंट फैक्टर लीड करता है। और अगर अच्छा खासा ह्यूमन कैपिटल स्टॉक होगा तो पॉजिटिवली रिलेट करेगा एक्सपोर्ट कैपेसिटी से। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर प्ले करता है, या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, फर्म दैट कैन एक्सेस फाइनेंस एट रीजनेबल कॉस्ट, वो आसान, चीपर माना जाता है फाइनेंस। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की धीरे धीरे डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन होती जा रही है। ठीक है, ये सब आप नोट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम ये इतना ज़्यादा लेंदी है, इतना ज़्यादा नोट करना ज़रूरी है? तो देखो, अगर स्टूडेंट्स पूरी इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए तो
उतना बताना पड़ेगा, लेकिन बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कट पिट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली. द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी रिसेसिवली डिटरमाइन इफ कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है इसके लिए. लास्ट वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका. फिर यहाँ पे कुछ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्यों हमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ कोर मर्केंडाइज, फिर दोनों जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो गिर रहे हैं, इसकी वजह से हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, वो भी फेल किया है 23 के अंदर. ट्रेड डेफिसिट भी देखने के लिए मिला है 23 के अंदर, जो कि पहले $83 था, अब $122 हो गया है. और इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हाई पीक देखने को लिए मिलता है, और चाइना का शेयर यहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट बास्केट में डिक्लाइन हुआ है. और येट इट रिमेन्स हाई, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा है, 31.2%. तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, बाकी PDF वगैरह के लिए अगर आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी. और अगर हिंदी लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो. बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ग्रुप वगैरह में, है ना. और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी स्टूडेंट्स.